हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त बलजीत यादव एम नर्सिंग क्लासेस की ओर से इस वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल से रिलेटेड टॉपिक है हमारा और है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट वन हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना या पेशेंट को ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाना। ये प्रोसेस जो है, ये मेथड जो हमारा है, ये हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडमिनिस्टर टू पेशेंट। इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि एक नर्स है, वो कितना ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकता है विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के। तो आप लोग यहाँ पे बता के चले, वेयर ए नर्स एडमिनिस्टर टू लीटर पर मिनट ऑक्सीजन विदाउट ऑर्डर, विदाउट डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर है, इस ऑक्सीजन एडमिनिस्टर क्यों करते हैं पेशेंट को, क्या रीजन है कि कैसे पेशेंट को हम ऑक्सीजन लगाएंगे, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हम इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पेशेंट को नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, और ऐसे कंडीशन के अंदर जब पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो क्यों नहीं ले पा रहा है, हो सकता है कि उसको डिजनिया डेवलप हो रहा हो किसी डिजीज कंडीशन के कारण, कोई रेस्पिरेटरी मेजर सीवियर डिजीज डेवलप हो गई हो, या हो सकता है कि उस पेशेंट को कोई सेकेंडरी डिजीज के कारण डिजनिया आ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट नॉर्मल जो ब्रीथ है वो नहीं कर पाएगा या सांस नहीं ले पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीजन लगाते हैं पेशेंट को। तो यहाँ से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वेयर ए पेशेंट हैज डिजनिया। कि वो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा आपका जब एक पेशेंट को डिजनिया डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, प्रायोरिटी के हिसाब से बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, बी आपका ऑप्शन है प्रोवाइड फाउलर पोजीशन, सी आपका ऑप्शन है इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और लास्ट आपका ऑप्शन है ओ टू एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने आंसर लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं, ये सारे प्रायोरिटी के हिसाब से लिखे हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, और इसका मतलब है कि हम असेसमेंट करना चाह रहे हैं पेशेंट को, हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिजनिया किस वजह से डेवलप हुआ है। हो सकता है डिजनिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि सेकेंडरी डिजीज के कारण या रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण हो सकता है, या फिर पेशेंट को कोई सीक्रेशन वगैरह प्रेजेंट हो गए हो, उन सीक्रेशन की वजह से पेशेंट को डिजनिया डेवलप हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करके इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बी, सेकेंड प्रायोरिटी हम बी को देंगे, प्रोवाइड
फाउलर पोजीशन। जब भी पेशेंट को डिजनिया आता है तो डिजनिया की कंडीशन में मोस्ट कॉमनली जो पोजीशन दिया जाता है वो फाउलर पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और सबसे लास्ट में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट को। तो ये आप लोग ध्यान दे के चलें, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके। नेक्स्ट है कि इस असेसमेंट से रिलेटेड मैं फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ कि हम पेशेंट का असेसमेंट, डिजनिया वाले पेशेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट बिफोर ओटू एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से मेथड है। तो दोस्तों इसके लिए तीन मेथड हम यूज करते हैं असेसमेंट के लिए। फर्स्ट मेथड था हमारा ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन करते हैं हम। दूसरा हमारा मेथड है नॉन इन्वेजिव मेथड, और तीसरा है हमारा इन्वेजिव मेथड। दोस्तों एक एक करके हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन मेथड। देखो ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे हम डिजनिया को असेसमेंट करने के लिए, तो आप लोगों को पता है कि ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम कुछ साइन सिम्टम्स देखते हैं, कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है हम जनरली नेक्ड आईज से देख के पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम कौन कौन से सिम्टम देखेंगे इसमें, आपको देखने को मिलेगा रेस्टलेसनेस, दूसरा आप देखेंगे साइनोसिस, उसके बाद नेक्स्ट है टेकीपनिया, और उसके बाद है नोइसी रेस्पिरेशन। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको पेशेंट को दिखाई देता है तो आप लोग कहेंगे उस पेशेंट को डिजनिया है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब दोस्तों यहां से आपसे फिर एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा, एक पेशेंट है और क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द अर्ली इंडिकेटर, व्हाट इज द अर्ली इंडिकेटर ऑफ डिजनिया, या मैं कह सकता हूं हाइपोक्सिया इन ए कॉन्शियस पेशेंट। एक पेशेंट है दोस्तों जो कॉन्शियस है और उसके अंदर डिजनिया या हाइपोक्सिया डेवलप हो गया है, तो इस हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर क्या माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप बता के चलें, अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो कॉन्शियस में जो आप मानेंगे दैट इज रेस्टलेसनेस, पेशेंट बेचैन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में अगर अर्ली इंडिकेटर की बात करते हैं तो हम साइनोसिस बोलेंगे, और साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। नेक्स्ट टेकीपनिया, जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, नॉइजी रेस्पिरेशन, सांस लेते टाइम पेशेंट को कुछ स्नोरिंग टाइप की आवाज आती है या फिर गर्गलिंग टाइप की सीक्रेशंस की वजह से उसको साउंड सुनाई देती है। तो दोस्तों ये हम अर्ली इंडिकेटर के बारे में हमने बात कर लिया, ऑब्जर्वेशन हमारा मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम बात कर रहे थे, दूसरा मेथड आपका था नॉन इन्वेजिव मेथड, और नॉन इन्वेजिव मेथड की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर हम SpO2 प्रोब यूज करते हैं, या उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, उस मेथड को, इंस्ट्रूमेंट को पल्स ऑक्सीमेट्री। तो दूसरा हमारा मेथड था नॉन इन्वेजिव, और नॉन इन्वेजिव मेथड के अंदर हम करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं, और इस पल्स ऑक्सीमेट्री में बेसिकली हम SpO2 चेक करते हैं इसके द्वारा, और जो नॉर्मल हमारा SpO2 होता है, नॉर्मल SpO2, इसकी रीडिंग होती है 90 से लेके 100%,
90 to 100%। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर SpO2 है वो 86 से नीचे आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। तो अगर SpO2 आपका लेस देन 86% हो जाए तो आप लोगों को बोलेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया, हाइपोक्सिया डेवलप हो गया। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की टिश्यू के अंदर कमी हो गई। ऐसे कंडीशन में आपका नर्सिंग एक्शन की अगर बात करें तो नर्सिंग एक्शन आप लोग बताएंगे इन्फॉर्म डॉक्टर, आप डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म करें। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ये SpO2 आपका लेस देन 60% हो जाए तो इस कंडीशन को बोला जाता है ऑक्सीजन इनसफिशियंसी, O2 इनसफिशियंसी बोला जाता है। अगर 60 से नीचे आ जाए ऐसे कंडीशन में सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे पेशेंट को तो आपने देखा होगा एक प्रोब टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस प्रोब के अंदर एक सेंसर होता है जो स्टिमुलेट हो जाता है और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बता देता है। तो दोस्तों जब भी हम SpO2 प्रोब लगाएंगे तो लगाने से पहले हमें चेक कर लेना है कि पेशेंट्स के नेल्स वगैरह पे कोई नेल पॉलिश तो नहीं है, और अगर नेल पॉलिश है तो उस नेल पॉलिश को रिमूव करना है। और क्यों रिमूव करते हैं ये भी पूछा जा चुका है कि नेल पॉलिश को हम इसलिए रिमूव करते हैं कि ये जो सेंसर है उसको स्टिमुलेट नहीं होने देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा की पॉइंट की बात करूँ मैं तो दूसरा आपका की पॉइंट होगा कि जो SpO2 प्रोब है उसको मोस्ट कॉमनली कौन सी साइट पे प्लेसमेंट करते हैं, ये भी पूछा गया है। तो आप लोग बता के चलें कि SpO2 प्रोब लगाने की जो साइट है वो मोस्ट कॉमनली इंडेक्स फिंगर है, बट हम कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी फिंगर में, जैसे मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर या फिर पैर के अंदर, फुट के अंदर जो भी फिंगर है वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं, ईयर लोब पे भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, मैं की पॉइंट पहला लिख रहा हूँ, रिमूव द नेल पेंट्स। उसके बाद है मोस्ट कॉमनली इंडेक्स फिंगर यूज फॉर प्रोब प्लेसमेंट। ओके फाइन, दो हमारे ऑब्जर्वेशन और नॉन इन्वेजिव दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा जो हमारा मेथड है दोस्तों वो है इन्वेजिव मेथड। और इन्वेजिव मेथड आप लोगों को पता है, इन्वेजिव का मतलब होता है कि इस मेथड के द्वारा हम बॉडी के अंदर कोई इंसिजन लगाएंगे या फिर बॉडी के अंदर कोई कट लगाएंगे, प्रिक करेंगे, तो ऐसे प्रोसीजर को, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं इन्वेजिव मेथड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक करने के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को चेक करने के लिए जो इन्वेजिव मेथड यूज किया जाता है वो आपका है एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस का मतलब आपको पता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसके अंदर हम आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर हम ऑक्सीजन, CO2 इन गैसेस का लेवल चेक करते हैं। ये प्रोसीजर हमारा कहलाता है एबीजी एनालिसिस। दोस्तों यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसके अंदर हम, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको, व्हाट इज द एक्यूरेट मेथड टू मेजर O2 लेवल इन ब्लड। वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा ब्लड के अंदर एक्यूरेट ऑक्सीजन का लेवल का मेजरमेंट किया जाता है। तो एक्यूरेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्यूरेट की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, एबीजी एनालिसिस। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है हमारी कि ये जो एबीजी एनालिसिस है
इस एबीजी एनालिसिस के दौरान हमने बताया कि ब्लड सैंपल लेते हैं, तो ब्लड सैंपल कौन सी आर्टरी से लेंगे, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी यूज की जाती है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग ब्लड सैंपल, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग एबीजी सैंपल। दोस्तों कैसे भी आपको घुमा के पूछे, कुछ भी पूछे, आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको एबीजी सैंपल लेना है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी साइट नस यूज करेंगे, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी को मोस्ट कॉमन और सेफेस्ट माना जाता है, सेफेस्ट साइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियल आर्टरी को आप लोग बता के चले। उसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाता है एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नर्स है और उसके वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है, या आपको बोलेगा कि एक पेशेंट कैजुअलिटी के अंदर एडमिट हुआ है और नर्स ने उसको एडवाइज किया है कि उसका एबीजी सैंपल लेना है, तो बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, एबीजी सैंपल लेने से पहले नर्स का दायित्व तो क्या रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग बता के चले कि हमेशा एबीजी सैंपल लेने से पहले, एबीजी सैंपल लेने से पहले हमेशा हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उस टेस्ट का नाम है एलन टेस्ट। ये एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और ये एलन टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं तो आप लोग बताएंगे कि अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर अल्नर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए। ये एलन टेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम रेडियल आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस करने के बाद हम पाम का इंस्पेक्शन करते हैं। पाम के अंदर अगर किसी प्रकार का साइनोसिस नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब आपकी अल्नर आर्टरी पेटेंट है और अल्नर आर्टरी से ब्लड है वो आपके पाम को सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एबीजी सैंपल ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर साइनोसिस दिखाई दे तो आपका एबीजी सैंपल नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हम एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसा कि मैं बोर्ड के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूं दोस्तों, बिफोर एबीजी सैंपल प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो आप लोग बता के चले परफॉर्म एलन टेस्ट। और ये एलन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं अभी आपको बताया, टू चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। ये अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप बोलेंगे रेडियल आर्टरी, ओके फाइन। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि दोस्तों ये एबीजी जो एनालिसिस है, ये आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कि जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होता है उस पेशेंट का 8 आवरली हम एबीजी सैंपल भेजते हैं, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक पेशेंट है अनकॉन्शियस है, आपके आईसीयू में एडमिट है और वेंटिलेटर के ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में कितनी बार एबीजी सैंपल भेजना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे 8 आवरली हम उसका एबीजी सैंपल करते हैं, ओके फाइन। ये हमारे 3 मेथड थे जिनके द्वारा हमने आपका असेसमेंट किया था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एबीजी एनालिसिस के अंदर हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एबीजी एनालिसिस की, ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सी कंडीशंस में ये इम्पोर्टेंट होती है। आगे मैं आपको एसिड बेस बैलेंस पढ़ाऊंगा जिसमें हम एबीजी एनालिसिस के द्वारा ही देखेंगे और पढ़ेंगे कि पेशेंट के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है। तो नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एबीजी एनालिसिस
तो इसके अंदर हम दोस्तों देखते हैं पीएच देखते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। नॉर्मल आपका पीएच 7.35 से लेके 7.45 होता है। PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 to 100 mm of Hg। PaCO2 35 से लेके 45 mm of Hg। उसके बाद है HCO3 बाइकार्बोनेट 22 से लेके 27 मिली इक्विलेंट पर लीटर। कुछ बुक्स में आपको 22 से 28 भी मिल सकता है। नेक्स्ट है सोडियम 135 से लेके 145 मिली इक्विलेंट पर लीटर, और पोटेशियम 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यूज आप लोग ध्यान रखेंगे एबीजी एनालिसिस की। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर पॉइंट है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है कि मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनके द्वारा हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से मेथड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेजल कैथेटर नेजल प्रोन या नेजल प्रोब, इसी का दूसरा नाम होता है नेजल कैनुला, तीसरा है मास्क, उसके बाद नेक्स्ट है टैंट मेथड, और पांच है आपका वुड मेथड। बेसिकली आपने हॉस्पिटल के अंदर ये पांच मेथड देखे होंगे जिनके द्वारा हम पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा वन बाई वन एक एक को हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट मैं आपसे ले रहा हूँ नेजल कैथेटर। दोस्तों जो नेजल कैथेटर है ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके चले, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। दोस्तों टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन ए पेशेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस या हॉस्पिटल। वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा मोस्ट कॉमनली पूछा गया है। दोस्तों मोस्ट कॉमन वो मेथड होता है जो सेफ भी होता है और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसा मेथड आप लोग बता के चले नेजल कैथेटर माना जाता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा है दोस्तों कि मैं कन्वीनियंट की बात नहीं कर रहा, ये आरामदायक नहीं है, कन्वीनियंट मेथड नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड है क्योंकि ये सेफ होता है और इसको लगाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। कौन कौन सी हम बातें याद रखेंगे नेजल कैथेटर से रिलेटेड तो आप लोग बता के चले। इसका जो साइज होता है वो हम मोस्टली 4 to 6 inch यूज करते हैं कैथेटर। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ इसकी जो है वो कैसे मेजर करते हैं, तो आप लोग बताएं टिप ऑफ नोज से लेके और ईयर पीना तक हम कैथेटर को मेजर करते हैं और उसको फिर हम इंसर्ट करते हैं। तो आप लोग बताएं टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। तीसरा हमारा पॉइंट है पोजीशन, जब हम नेजल कैथेटर लगाएंगे तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, तो आप लोग बता के चलें रोज पोजीशन,
और इस रोज पोजीशन के अंदर आपने देखा होगा नेक है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है, और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्ट्रेट हो जाए, अगर आपसे रीजन पूछा जाए। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो रेट। फ्लो रेट पूछी जाती है आपसे कि नेजल कैथेटर की फ्लो रेट क्या होती है, तो आप लोग बताएं 1 से लेकर 4 लीटर पर मिनट। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें कि नेजल कैथेटर के द्वारा कितनी कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जा सकती है, तो आप लोग बता के चलें दोस्तों यहाँ से 24 से लेकर 30% O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों नेजल प्रोन या नेजल प्रोब और नेजल कैनूला। दोस्तों सेकंड हम नेजल प्रोब के बारे में पढ़ रहे हैं, नेजल प्रोब, और ये नेजल प्रोब आपने देखा होगा 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और अप्लाई इन बोथ नोस्ट्रिल्स, दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। इस प्रकार की एक प्रोब देखी होगी आपने हॉस्पिटल के अंदर, और इसको हम दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं, ये आपकी कहलाती है नेजल प्रोब, या फिर इसको हम बोलते हैं नेजल कैनुला भी बोलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मोस्ट कन्वीनियंट मेथड मानते हैं, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का मोस्ट कन्वीनियंट मेथड की अगर बात करें आपसे, तो आप लोग बता के चलें नेजल कैनूला। दोस्तों कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक है, इसको लगाने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बस अप्लाई करना होता है, तो सुविधाजनक है, आरामदायक है नेजल प्रोन, आप लोग याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसको मास्क वगैरह की वजह से पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है, और एंजाइटी होने की वजह से पेशेंट को कौन सा मेथड ऑक्सीजन देने का रिप्लेसमेंट करेंगे, तो आप लोग कह सकते हैं ऐसे पेशेंट को भी हम नेजल कैनुला लगाते हैं, इसके द्वारा लो लेवल से हम ऑक्सीजन लगाते हैं, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान देके चलें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेजल कैनुला के अंदर जो आपका ये यूज किया जाता है, ये मोस्टली आपके माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर, यूजिंग माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीओपीडी के अंदर आपसे पूछा जाता है यूज मोस्ट कॉमन इन सीओपीडी। देखो आपसे पूछा जाता है वो कौन सा मेथड है ऑक्सीजन देने का जो सीओपीडी के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताएंगे नेजल कैनुला के द्वारा, क्योंकि आप लोगों को पता है सीओपीडी के अंदर हम लो लेवल पे ऑक्सीजन लगाते हैं पेशेंट को, और अप्रोक्स 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम ऑक्सीजन लगाते हैं, तो हम बेस्ट मेथड मानते हैं इसके अंदर सीओपीडी पेशेंट के अंदर नेजल कैनुला को। तो दोस्तों ये सब बातें आप लोग याद रखते चलें। फ्लो रेट की बात करें तो फ्लो रेट आपने देखा होगा 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं 24 से लेकर 44% O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है नेजल कैनुला। दोस्तों दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, तीसरे मेथड के ऊपर आता हूं मैं, और वो है आपका मास्क। हॉस्पिटल के अंदर आपने डिफरेंट टाइप के मास्क दोस्तों पढ़े होंगे, देखे होंगे कौन सा मास्क कब लगाया जाता है, क्या इनसे रिलेटेड बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो तीसरा हमारा मेथड है मास्क, और मास्क हमेशा हम यूज करते हैं यूजिंग सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो जाती है तब हम पेशेंट को क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। इन मास्क में आपने देखा होगा दोस्तों सिंपल मास्क आता है आपका,
जो हम मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा वेंचुरी मास्क आता है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, कलर कोडिंग के हिसाब से ही वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, फ्लो रेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपने देखा होगा नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, एरोसोल मास्क होता है। ये इतने प्रकार के मास्क हम हॉस्पिटल्स के अंदर यूज करते हैं और वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क दोस्तों, ये जो वेंचुरी मास्क है इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप याद रखेंगे, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन देने का सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा माना जाता है? जितने भी मैंने मास्क बताए हैं सबके अंदर एक्यूरेट मेथड की बात करेगा तो आप लोग वेंचुरी मास्क को टिक करेंगे। अगर पेशेंट को मान लीजिए जरूरत 30% की है ऑक्सीजन की तो ये मास्क 30% ही देगा, अगर उसको 40 की जरूरत है तो ये 40 देगा, 50 की है तो 50 देगा, यानी एक्यूरेट कंसंट्रेशन देता है। अलग अलग कलर के आते हैं, कौन कौन से कलर के आते हैं तो कलर की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। कलर ऑफ वेंचुरी मास्क यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लैक कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, येलो कलर आता है, रेड कलर आता है और ग्रीन कलर आता है। दोस्तों आपसे इमेज में भी दिखाया जा सकता है ये मास्क, तो ऐसे इमेज में आपको कलर दिखा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये मास्क कितनी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन का या कितना फ्लो रेट प्रोवाइड करेगा। ऐसे 5-6 प्रकार के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो दोस्तों जो ब्लैक है ये आपका 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से प्रोवाइड करेगा, व्हाइट है ये 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज है 6 लीटर पर मिनट, येलो है 8 लीटर पर मिनट, रेड है 10 लीटर पर मिनट, फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ मैं, और ग्रीन है ये आप लोग कह सकते हैं 10 से 12 लीटर पर मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपसे पूछा जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन में प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ब्लैक है ये 24% एग्जैक्ट आपकी 24% O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, व्हाइट है ये आपका 28%, ये 31%, ये 35% और ये आपका है ये 40% और ये है आप